हैंडसम हंक शालीन भनोट बिग बॉस में अपने अग्रेसिव नेचर की वजह से लाइमलाइट में बने हैं। कभी लव एंगल तो कभी अग्रेशन, शालीन को शो में काफी हाइप मिल रही है, पर लगता है शालीन को जब से बिग बॉस ने सजा दी है उनका पारा हाई हो गया है। तभी तो बीते एपिसोड में शालीन ने बीबी हाउस में डॉक्टर से ही बदतमीजी कर डाली है। शालीन का ये नेचर अभी तक का सबसे शॉकिंग बिहेवियर था। शालीन ने सेट पर जिस तरह से डॉक्टर के साथ मिसबिहेव किया, उसकी क्वालिफिकेशन पर सवाल उठाया, उसकी सोशल मीडिया पर कड़ी आलोचना हो रही है, यानी कि ट्रोलिंग हो रही है। हुआ यूं था कि कैप्टेंसी टास्क के दौरान शालीन ने अर्चना गौतम के साथ धक्का मुक्की की थी। बिग बॉस ने तुरंत एक्शन लेते हुए शालीन को 2 हफ्तों के लिए नॉमिनेट कर दिया और कैप्टन बनने का अधिकार छीन लिया। इससे बौखलाए शालीन काफी परेशान नजर आए। बाद में शालीन के हेल्थ का ख्याल रखते हुए उन्हें मेडिकल रूम में बुलाया गया। वहां उन्हें ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर भी भिजवाया गया, पर शालीन ने डॉक्टर की रिस्पेक्ट नहीं की बल्कि उनसे काफी ज्यादा बदतमीजी की। शालीन ने मेडिकल रूम में गुस्से में एंट्री करते हुए कहा कि तुम मेरा इलाज नहीं कर सकते और तुम मेरा इलाज करने के लिए क्वालिफाइड ही नहीं हो। इतना सुनने के बाद भी डॉक्टर ने शालीन को शांत करने की पूरी कोशिश की, लेकिन शालीन थे कि डॉक्टर की क्वालिफिकेशन पूछने पर आमदा रहे। शालीन ने पूछा कि क्या तुम्हारे पास MBBS की डिग्री है, मुझे अपनी क्वालिफिकेशन बताओ, तुमने क्या पढ़ाई की है, टीम को बोलो कि मैं उनसे बात करना चाहता हूँ और तुम मेरा इलाज करने के लिए क्वालिफाइड बिल्कुल भी नहीं हो, मैं ये सब कुछ ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। वेल, इतना कहने पर ही सोशल मीडिया पर उनकी जमकर ट्रोलिंग हो रही है। यूजर्स बोल रहे हैं कि न जाने शालीन में किस बात का घमंड है और वो अपने आप को क्या ही समझ कर बैठे हैं। बिग बॉस से जुड़ी हर खबर पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।